कुछ एकदम शांति मिलती है कसम से। और नेचुरल ब्यूटी देख के ना बहुत मजा आया मुझे, ये आप मेरे पीछे खुद भी देख सकते हो। इसको नहीं फेंकना चाहिए, इसको साथ लेना चाहिए और किसी डस्टबिन में डालना चाहिए। साफ सफाई ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, वेलकम बैक। उम्मीद है मुझे आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चैनल पे आगे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फेसबुक पेज पे देखे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करके रखें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम हम निकल गए थे जी कैंपिंग पे, बट बारिश की वजह से ना कैंपिंग का प्लान एकदम कैंसिल हो चुका था जी। तो अभी अभी मैंने सोचा कि आज कैंपिंग पे जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या कुछ रहेगा, वो सब आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। लेट्स एंजॉय द व्लॉग और साथ साथ अपना प्यार भी दिखाएं। तो फिलहाल हमारा सामान एकदम रेडी है जी, तो बस निकलने वाले। बिस्मिल्लाहितवक्कलतुइलल्लाह। तो जी फिलहाल हम निकल चुके हैं जी अपने घर से कैंपिंग की ओर, तो लेट्स एंजॉय, देखते हैं कहाँ पे आज कैंपिंग करेंगे, फर्स्ट कैंपिंग है लाइफ की। तो बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहो जी। वो जो सामने आपको जंगल दिख रहा है ना, वहीं पे हमें कैंपिंग करने के लिए जाना है। बहुत ही मस्त लोकेशन है और एकदम से ना नेचुरल ब्यूटी है, और जाना भी चाहिए ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जो नेचुरली होगा ना, उन चीज़ों को ना देखना चाहिए। बहुत मज़ा आता है इन जगहों पे जाके। दिल थाम के बैठो, अभी हम बीचों बीच जंगल में जाने वाले हैं जी, कैंपिंग साइट की ओर। बस दिल थाम के बैठो। देखो अभी हम कहाँ से चढ़ गए, पूरा हिली एरिया है ये, और यहाँ से देखो दाएं से और बाएं से भी पूरे जंगल के बीचों बीच हम चल गए हैं। बट यहाँ का रोड ना एकदम बढ़िया है, पर थोड़ा सा हिली एरिया है ये, काफ़ी थक चुके हैं जी हम, अभी तो सफ़र शुरू किया है। तो जी फिलहाल यहाँ तक हमने कवर किया है, वो भी आगे जाना हुआ बाकी है। तो फिलहाल अपने साइकिल को यहाँ पे रखा हमने, थोड़ा सा रेस्ट हम भी करेंगे, कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो पसीना कितना आ चुका है जी। तो जितना आपको लगता है वीडियो में आसान है ये सफ़र, उतना तो नहीं है, बहुत मुश्किल सफ़र है ये, और वो भी साइकिल पे। इस चढ़ाई से गुजरना है और बाकी अभी, तो स्टे ट्यून्ड, अभी आगे बहुत मज़ा बाकी है। तो तब तक इस खूबसूरत से नज़ारे को आप चेक कर लो। चलो जी, यश्ट भी कर लिया हमने, और फिलहाल यहाँ से अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं जी। तो लेट्स एंजॉय इस व्लॉग को ना, अपना बहुत सारा प्यार दिखाना, क्योंकि ये व्लॉग ना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, और लाइफ की ना पहली एक्सपीरियंस रहने वाली है जी कैंपिंग की। तो इस व्लॉग पे ना बहुत सारा प्यार दिखाना आप लोग। वाह, होय होय, तो जी फाइनली हम पहुंच गए जी बीचों बीच जंगल में, मेरे अलावा यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे हमने अपना साइकिल रखा है, और यहाँ से थोड़ी सी पानी बह गई है, माशाल्लाह एकदम नेचुरल और प्योर वाटर है ये, खाने के लायक। और ये देखो जंगल का भी थोड़ा सा लुक, और यहाँ पे हम टेंट लगाने वाले हैं जी। तो दिल थाम के बैठो, पहले टेंट लगाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं जी। तो जी ये है हमारा टेंट, और अभी टेंट लगाने की बारी आ चुकी है।
तो स्टे ट्यून्ड, और पहले हम टेंट लगाते हैं जी। ये हो गया हमारा टेंट हमारे पीछे एकदम रेडी। तो अब हम इसका दरवाजा खोलने वाले हैं। माशाल्लाह ये हो गया जी हमारा टेंट यहाँ पे एकदम रेडी। अब हम सीधा यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। ये देखो जी हमारा टेंट बीच बीच जंगल में, वो ये आज हमारे पास सब साइकिल यहाँ पे। तो चलो जी फिलहाल के लिए टेंट भी हमने यहाँ पे लगाया और थोड़ी सी हिलस बनाते हैं जी। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा, अभी भूख भी नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फिलहाल हम कुछ हिलस बनाएंगे जी, कुछ इस तरह की लोकेशन। और वहाँ पे यहाँ जी हमारा टेंट माशाल्लाह एकदम ना फ्रेश हवा मिल गया है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग गया है। और यहाँ से पानी बह गया जी सीधा हमारी टेंट की तरफ से बाग गई है। चलो स्टे ट्यून्ड। तो आज लाइफ की फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ जी गाइस, तो मस्त यूलस भी बनाए हमने और अभी आ गए जी कुछ पकाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी कुछ पकाते हैं, खा पी लेते हैं, खाना पीना भी जरूरी है सेहत के लिए, तभी एनर्जी मिलेगी। तो फिलहाल कुछ पका लेते हैं जी। लाइफ में ना अपने चीज़ों की कदर करना सीखो। तो हो अभी हम पहली बार कैंपिंग पे पकाने वाले हैं जी, वो भी मैगी। स्पेशल मैगी हमने साथ लाई है, तो मैगी बनाएंगे। पानी जो कि घर से साथ लाया, तो फिलहाल पानी बॉयल होगी और उसके बाद हम एकदम से मैगी बनाने वाले हैं। तो लाइफ की पहले एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आया। मतलब जिस हिसाब से मैं यहाँ पे घूमा हूँ उस हिसाब से ना मुझे एकदम मस्त लगा है। और एकदम अकेला हूँ मैं यहाँ पे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना शोर ना कुछ, एकदम शांति मिलती है कसम से। और नेचुरल ब्यूटी देख के ना बहुत मज़ा आया मुझे, यह आप मेरे पीछे खुद भी देख सकते हो। तो चलो फिलहाल मैगी बनाते हैं। तो अभी हम इसमें मैगी डालने वाले हैं जी। तो ये अभी अभी ना यहाँ की जो लोकल बस्ती है वहाँ का ये बंदा आया है देखने के लिए, ये कौन आया है यहाँ पे आज कैंपिंग करने के लिए। अच्छा रहता है अपने मोहल्ले को भी हिफाजत करनी अच्छी रहती है, इसलिए ये आया। तो चलो ये भी अब यहाँ से निकल गया, मैं अब मैगी बनाया हूँ। और ये देखो जी इसी के साथ हमारी मैगी भी ना एकदम रेडी हो चुकी, तो अभी खाली खाना बाकी है। तो चलो जी ये हो गई हमारी मैगी भी रेडी, अभी खाते हैं इसको। तो ये यही जी हमारी प्यारी सी मैगी, तो अभी खाते हैं और सच सच बताते हैं जी कैसी है। बढ़िया है, पहली बार बनाई है वो भी जंगल में, तो एकदम मस्त है। तो चलो खा पी लेते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैगी भी खा ली, बहुत ही बढ़िया मैगी थी, बहुत ही बढ़िया मैगी मैंने बनाई थी। तो चलो
फिलहाल इनको साफ करते हैं। ये कुछ बर्तन थे, इन्होंने पानी डाला था, तो इनको थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ होता। ये सामान ना यहाँ से पैक करते हैं जी एकदम से। तो जी गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, टाइम आया है जी अभी 6:30 और यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे बालू का खतरा रह सकता है, तो मैं अकेला आया था इसलिए यहाँ से अभी निकलते हैं। A few moments later, back to sweet home. अल्हम्दुलिल्लाह घर भी सेफली हम पहुँच गए जी वापस। अभी आया जी टाइम 7:30 और दिन भी गुजर गया। इस व्लॉग को कहते हैं जी हम यही भी ख़त्म। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक बाय।